हे hey दोस्तों, एक टाइम था जब मुझे अपने दोस्तों और घर वालों को छोड़कर किसी से भी बात करने नहीं जमता था। कई बार तो मैं डर भी जाता था, क्योंकि क्या बात करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। और इसलिए जब भी मैं किसी न्यू इंसान से या रिलेटिव से मिलता था तो मुझे बहुत नर्वस और अजीब फील होता था, जिसकी वजह से ही मैं कभी किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत से कम्युनिकेशन रिलेटेड टेक्निक्स सीखने के और उन्हें अप्लाई करने के बाद अब ऐसा हो गया है कि आज मैं किसी भी रैंडम इंसान से पहली बार मिलके ही जितना चाहे उतना बात कर सकता हूँ। इवन उन लोगों से जो बहुत कम बोलते हैं या शाय टाइप के होते हैं, मतलब जो ना के बराबर रिप्लाई करते हैं, उनसे भी। सो अगर आपको भी एक ऐसा इंसान बनना है जो किसी से भी फ्रीली बात कर पाए, बिना डरे घबराए या ज्यादा सोचे कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, तो अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको भी काफी हेल्प करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको हाउ टू इम्प्रेस पीपल इन 90 सेकंड्स इस टॉपिक के तीन स्टेजेस में से दो स्टेज मीटिंग और रेपो एक्सप्लेन किया था, जो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जरूर देखो यहाँ क्लिक करके या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है। नाउ आज मैं आपको थर्ड स्टेज जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उसके कुछ ऑसम टेक्निक्स बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, ओपन एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, बट हमारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बातें करने के बाद भी हमें बस हाँ या ना या ऐसे कोई छोटे रिप्लाई के ही जवाब मिलते हैं, जिससे हम बात को आगे नहीं बढ़ा पाते और वापस उस ऑकवर्ड सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां हम कभी नहीं जाना चाहते। एग्जांपल, राहुल एक पार्टी में जाता है जहां उसका कोई फ्रेंड नहीं रहता, सो वो सोचता है किसी से बात करके टाइम स्पेंड करे। अब उसे डर तो लग ही रहा होता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके एक लड़की से बात करना स्टार्ट करता है। कुछ ऐसे, हेलो, जवाब में आता है, हाय, पार्टी काफी अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। तुम सूरज की दोस्त हो? हाँ हाँ राइट। मैं भी। तुम ड्रिंक करती हो? नहीं। अरे मैं भी नहीं करता। अच्छा अच्छा, गुड, चलो गुड टू गो, नाइस मीटिंग यू। यप, थैंक्स, बाय। ये जो एग्जाम्पल है इसमें शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा कि राहुल ने क्या गलती करी, और यही रीजन भी है कि वो बहुत से लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो, क्वेश्चंस पूछते हुए आप लोगों से बहुत सारी बातें कर सकते हो, लेकिन बहुत बात कर पाने के लिए आपको सामने वाले से सही टाइप के क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए। देखो, क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। पहले क्लोज्ड क्वेश्चंस, जो यूजुअली इंसान को बंद करने लगते हैं और छोटे आंसर्स देने के लिए एनकरेज करते हैं, जैसे कि राहुल के एग्जाम्पल में हुआ। जबकि दूसरा टाइप होता है ओपन क्वेश्चंस का, जो दूसरों को और ज्यादा बात करने के लिए एनकरेज करता है। एग्जाम्पल, समझो सारा सीन सेम है, बस अभी राहुल क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछने के बजाय ओपन क्वेश्चंस पूछेगा तो कुछ ऐसा होगा। हेलो, मेरा नाम राहुल है। हाय, आई एम प्रिया। अच्छा, रैंडम क्वेश्चन, ऐसी पार्टीज की तुम्हें सबसे अच्छी बातें क्या क्या लगती है? अभी ऐसे ओपन क्वेश्चन के लिए हाँ या ना में जवाब देना पॉसिबल ही नहीं है, सो रिप्लाई बड़ा ही आएगा यूजुअली, लाइक, वेल, मुझे ऐसी पार्टीज में आके लाउड म्यूजिक सुनना और डांस देखना बहुत पसंद आता है। या ऐसे ही कुछ तो बड़ा आंसर देना पड़ेगा सामने वाले को, जिससे आप बात को आगे बढ़ा सकोगे इजीली। एंड सिमिलरली, तुम सूरज की दोस्त हो ना, ये पूछने के बजाय ये पूछना बेटर होगा कि तुम्हारी और सूरज की दोस्ती कैसे हुई, तुम्हारे हिसाब से ड्रिंकिंग बुरी क्यों होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे ओपन क्वेश्चंस के एग्जांपल्स है, क्योंकि ये सामने वाले को ज्यादा बोलने के लिए एनकरेज करेंगे। और एक डिस्क्लेमर, अगर ऐसे ओपन क्वेश्चंस पूछने के बाद भी सामने वाला अगर इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, तो यही अच्छा है कि आप एक्सक्यूज करके एक जेंटलमैन की तरह वहां से चले जाओ। नंबर टू, थ्रेडिंग। ओपन क्वेश्चंस पूछना आपको सामने वाले से लंबा आंसर दिलवाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप ये ट्रिक पता चलने के बाद बस एक के बाद एक ओपन क्वेश्चंस पूछते जाओ और बस ऐसे ही बात करो, नहीं, बल्कि आप क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्हें एक्टिवली सुनो। एक्टिवली मतलब अपना पूरा ध्यान देके, क्योंकि बिना उनकी बातों को अच्छे से सुने आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे, ना ही फिर रैपर्ट क्रिएट होगा, और ना ही आप एक ऑसम टेक्निक का यूज कर पाओगे जिसे बोलते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके आप बातों को जितना चाहे उतना इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ा सकते हो, वो भी रैपो और इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करते हुए। एग्जाम्पल, उसी राहुल वाले सीन को कंटिन्यू करके बताऊं तो, जब उस लड़की ने कहा मुझे ऐसी पार्टीज में आके लाउड म्यूजिक सुनना और डांस देखना पसंद आता है, तो ये रिप्लाई मिलने के बाद अगर वो ओके बोल के या अच्छा नाइस बोल के दूसरे क्वेश्चंस पूछने लगेगा, तो ये चीज इतना कनेक्शन और रैपो क्रिएट नहीं करेगा। जबकि अगर वो ये बोलेगी, ओह दैट्स ग्रेट, मतलब तुमको म्यूजिक और डांस पसंद है, चलो तुम्हारे तीन फेवरेट सॉन्ग्स बताओ डांस करने के लिए, तो ऐसे टाइप का उनकी बात से थ्रेड करके कनेक्ट करके दूसरी बात करना बेस्ट है। क्योंकि यहाँ ये रिप्लाई दिखाता है कि आप वो सामने वाले को एक्टिवली सुन रहे थे, जो किसी भी इंसान को बहुत पसंद आता है, और आपने थ्रेडिंग टेक्निक का भी यूज किया। थ्रेडिंग मतलब और कुछ नहीं, बस सामने वाले की बोली हुई बात से कोई एक वर्ड या बात को पकड़ कर उस बात से रिलेटेड कुछ और बात करना, जैसे यहाँ राहुल ने डांस और म्यूजिक को पकड़ के बात को आगे बढ़ाई। थ्रेडिंग सच एक बहुत कमाल की टेक्निक है, जिसे अगर आप मास्टर कर लोगे तो आप कभी भी बात करते हुए अटकोगे नहीं,
या ये नहीं सोचोगे बात करने के बीच में कि अब क्या बोलूं, क्योंकि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेगी बात आगे बढ़ाने की। सो इसे आप जरूर यूज और प्रैक्टिस करो। नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड्स। क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, कहा, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करना आपको बात अच्छे से आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इनके आंसर्स देने के लिए सामने वाले को चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और ज्यादातर टाइम जब कोई इंसान एक्सप्लेनेशन देने लगता है तब वो अपने इमोशनल लेवल पर आने लगता है, जो रैपो के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले सवाल बहुत अच्छे ओपन क्वेश्चंस भी होते हैं। एग्जांपल, क्यों तुम्हें शराबी नहीं पसंद? इस शहर में तुम कब सेटल हुए? तुम्हें ये बात कैसे पता? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां जाना तुम्हारा सपना है? तुम लाइफ में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो? तुम्हारा पैशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। और एक और बात याद रखो कि ये सारे क्वेश्चंस और बातों से आप उन्हें किसी एक कॉमन टॉपिक या बात पे लेके आओ, जिसे बात करने आप दोनों को बहुत मजा आएगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है लास्ट वीडियो में, वी लव पीपल विद सिमिलैरिटीज। हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जिनके आइडियाज, थॉट्स, पसंद हमारे जैसी होती है। सो इसीलिए ट्राई करो कि आप कॉमन टर्म्स पे आके बात करो। नंबर 4, टॉकिंग इन कलर्स। दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम बोरिंग सी बोरिंग स्टोरी को या उनके साथ हुए किसी इंसिडेंट को ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं कि सब लोग उनकी बातों को एकदम गौर से सुनते हैं और उनकी बातें सुन के इंजॉय भी करते हैं। जबकि कुछ लोग आपको पता होंगे जो अच्छी सी अच्छी स्टोरी को ऐसे बताते हैं कि किसी को भी वो सुनने मजा नहीं आती और लोग उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते। वेल, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक्चुअली में बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस, वे ऑफ स्पीकिंग। लेकिन इन सारे रीजंस में एक सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ टॉकिंग इन कलर्स। टॉकिंग इन कलर्स मतलब अपने एक्सपीरियंस की सामने वाले के दिमाग में एक कलरफुल पेंटिंग बनाना। और जितना अच्छे से आप ये करोगे उतना इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगोगे। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको आके बोलूं, यार आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, एकदम परेशान हो गया, तो ये बात आपको सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी ये बात आपको ज्यादा इमेजिन करने के लिए एनकरेज नहीं कर रही है। आपका दिमाग ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा ये सुनने के बाद। लेकिन सेम चीज बोलते टाइम अगर मैं आपको कलर्स के साथ इमेजिन कराऊं कि वो सीन कैसा था, आपके सारे सेंसेस को पिक्चर में लाते हुए, जैसे कि मुझे क्या दिख रहा था, क्या सुनाई दे रहा था, कैसा फील हो रहा था, कैसी स्मेल आ रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये चीज सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पहली वाली बात का ही एग्जाम्पल दूं तो, आज बाइक चलाते हुए जब घर आ रहा था तब मौसम एकदम संतरे जैसा ऑरेंज टाइप का हो गया था। मजा आ रही थी बाइक चलाने, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं राइड बहुत एंजॉय कर रहा था। पर फिर अचानक इतनी तेज बिजली कड़की, मेरा कान एकदम सुन जैसा हो गया और इतनी आवाज सुन के मैं एकदम डर गया। और फिर क्या, बारिश होने लगी, पानी की बूंदें जोर जोर से मेरे मुंह पे छुपने लगी। और उसके बाद थोड़ा ही आगे चला तो देखा पूरा रोड एकदम ट्रैफिक से भरा हुआ था। हॉर्न की आवाजें आ रही है, सब चिल्ला रहे हैं, रुक रुक के गाड़ी चला चला के एकदम दिमाग खराब हो गया। और ऊपर से फिर उसके बाद यू नो कचरे की गाड़ी मेरे सामने आके खड़ी हो गई, इतनी बदबू आ रही थी ना उससे, और ऊपर से रेनकोट भी नहीं लिया था, पूरा गीला गीला बात सुनते हुए रुक रुक के मेरे को आना पड़ा। अगेन ये बेस्ट एग्जांपल तो नहीं है, बट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने आपके दिमाग में वो पेंटिंग बनाने की कोशिश करी आपके सारे सेंसेस को पिक्चर में लाते हुए। और सिमिलरली ऐसी अगर आप बातों को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो ये टेक्निक का यूज करो, जिसे बोलते हैं टॉकिंग इन कलर्स। सो अब एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहली चीज, आप हमेशा दूसरों से ओपन क्वेश्चंस पूछो, ना कि क्लोज क्वेश्चंस, ताकि लोग आपको लंबे आंसर्स देके आपसे इजीली फ्री हो सके। दूसरा पॉइंट, आप दूसरों की बातों को गौर से ध्यान देके सुनो ताकि आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाओ और साथ ही साथ थ्रेडिंग टेक्निक का यूज करके उनसे रैपो भी क्रिएट कर पाओ। तीसरा पॉइंट, आप क्यों, क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करो बात करते टाइम और ट्राई करो कि किसी कॉमन टॉपिक पे उन्हें लाने की जिसकी बातें करने आप दोनों को मजा आए। लास्ट फोर्थ पॉइंट, ब्लैक एंड व्हाइट बातें मत करो, बल्कि ऐसी कलरफुल बातें करो जिससे कि सामने वाला अपनी इमेजिनेशन का यूज कर पाए और वो भी अपने मोस्ट ऑफ द सेंसेस को पिक्चर में लाते हुए। बस ये थे वो 4 टेक्निक्स जो आप फॉलो करके किसी से भी कितनी भी बातें आगे बढ़ा सकते हो, रैपो क्रिएट कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो जिससे कि लोग आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। और इस वीडियो से हटके एक बात, मैंने अपनी वेबसाइट seekand.in पे कई बुक समरीज डालना स्टार्ट किया है। मैं वहाँ हफ्ते में 2 एक्स्ट्रा बुक समरीज इन वीडियो से हटके दूसरी बुक की समरीज टेक्स्ट फॉर्मेट में डालता रहूंगा, जिसे आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। मैं वहाँ कई ऑडियो बुक्स, यूजफुल ब्लॉग्स भी डालते रहूंगा जो सबके सब आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। सो आप वेबसाइट जरूर चेकआउट करें और मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट भी करें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है। और अप टू एंड, ये बातें मैंने आपको हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स बाय निकोलस बूथमैन इस बुक से बताई है। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ानी है तो ये बुक आपको जरूर खरीदनी चाहिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये वीडियो पार्ट 2 था इस बुक समरी का।
पहला पार्ट मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, जो आपने नहीं देखा तो वो आप जरूर चेकआउट करें। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आपको पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाला है, वरना नहीं पता चलेगा। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो और हमारा देश भी तरक्की करे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।